नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप और आपका परिवार? मैं दीप राम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है माँ बेटे का प्यार। तो वैसे तो माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और कहते हैं कि माँ कभी कुमाता नहीं होती और बच्चे उसके कपूत हो सकते हैं, ऐसा अक्सर देखने को भी मिलता है। जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की बुढ़ापे में उनकी कोई कदर नहीं करते हैं, उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हम इसको, जो माँ बेटे का जो प्यार है, इसको हम एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी कहानी जो है उससे हम किसी भी चीज को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो कहानी का नाम है अब माँ तेरे हाथ नहीं जलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक जो गांव है उसके अंदर माँ और बेटे रहते थे। तो बेटे की जो उम्र है वो लगभग 10-12 साल थी और उनके गांव में वार्षिक मेला लगा करता था। तो मेले का हर किसी को ही बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं भी जब हमारे गांव के आसपास जब मेले लगते थे तो मैं भी अब मेलों में जाता था। तो कहने मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो काफी दिनों से मेले का इंतजार कर रहा था कि अब की बार मैं मेले में जाऊंगा और वहां से मैं कुछ अपने लिए खिलौने लाऊंगा और इसे मैं खेलूंगा। उसने बड़े, जो बच्चा है तो उसे कई सपने भी सोच रखे थे। लेकिन वो, उसकी जो माँ है, बड़ी ही मेहनत करके उसका पालन पोषण कर रही थी। उसके पिताजी भी नहीं थे तो जैसे तैसे उनका पेट गुजारा ही हो पाता था। तो जब मेला नजदीक आया तो जैसे कल मेला है तो उसकी माँ ने जैसे तैसे उसको 20 रुपए का व्यवस्था की, मेहनत मजदूरी करके, और अपने बेटे को उसने 20 रुपए दे दिए कि बेटा कल आपको मेले में जाना है और अपने मनपसंद के खिलौने वगैरह ले आना। तो जब वो सुबह उठता है, क्योंकि वो रात को जल्दी सो जाता है, तो सुबह जब उसकी माँ उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाती है और जब दूध गर्म करती है तो उसके पास में उस जो पतीला है, जो बर्तन है, उसको उठाने के लिए कोई साधन होता नहीं है। तो उसकी माँ जब उस बर्तन को ऐसे हाथ से उठाती है तो उसका हाथ जल जाता है। तो उसका बेटा उसको देखता है तो बेटे को बड़ा अफसोस होता है, उसको दुख होता है। और वो मेले में जब जाता है तो मेले में इधर जब तब ढूंढता है तो उसने वहां एक सनासी देखी। तो माँ के लिए उसने 20 रुपए की सनासी, जिसको बर्तन उठाते हैं, वो सनासी लाया वहां से और आके माँ के पास में आया और माँ से कहा कि माँ आप आंख बंद करिए। और माँ ने जब आंख बंद की तो उसने उसके हाथों में वो सनासी दे दी कि देखिए माँ मैं आपके लिए क्या लाया हूं। तो माँ खुशी के मारे फूली नहीं समाई, माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई अपने बेटे पर। क्या बेटा ये क्या है, मैंने तो आपको 20 रुपए जो दिए थे आपके खिलौने के लिए दिए थे, आप बड़े दिन से ही मेले का इंतजार कर रहे थे। तो कहने वाले माँ बेटे का ही प्यार है। एक वो छोटा सा बच्चा अपने माँ की कितनी कद्र करता है। और आज हम देखते हैं कि माँ और बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़े बड़े अफसर बना देते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी नौकरी करने चले जाते हैं, करोड़ों के पैकेज लेते हैं। और आप और हम बहुत बार अखबारों में पढ़ते हैं कि अभी हमने कई शहरों के अखबारों में पढ़ी है रिपोर्ट या उनकी खबरें कि पीछे से माँ बाप अकेले रहते हैं और वो अपने फ्लैट में मृत पाए गए, यहाँ तक कि उनकी जो बॉडी है वो सड़ गई, बुरी हालत में हो गई। तो कहने वाले ऐसी संतान किस काम की। तो कहीं ना कहीं हम कई बार हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो सकता है कि पेरेंट्स की परवरिश में कहीं कमी रह गई हो। तो हम तो ये तो अब बच्चे ने जैसे ही उसको जो सनासी दी तो उसने कहा माँ से कि माँ अब आपके हाथ कभी नहीं जलेंगे। तो कहने वाला हमारी कहानी का नाम भी यही है, अब माँ तेरे हाथ नहीं जलेंगे। तो यह है एक माँ और बेटे की एक प्यार की कहानी, प्रेम की कहानी। तो ऐसे हमें अपने पेरेंट्स से हमेशा प्यार करना चाहिए, उनका रिगार्ड करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो ही माँ बाप ही है, ऐसे हैं जो कि बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी होती है। तो ये माँ के लिए, एक ग्रेट माँ के लिए मैं कुछ चंद लाइनें भी यहाँ कहना चाहूंगा। तो जब माँ को जैसे ही उसने वो सनासी दी तो खुशियों के मारे माँ की आंखों में भी आंसू आने लग गए। तो ये तो दोस्तों, माँ के चरणों में स्वर्ग है, माँ के चरणों में स्वर्ग है, कभी उसे दुखी मत करो। सब कुछ मिल जाता है पर माँ दोबारा
नहीं मिलती। तो कहने वाले हैं कि माँ जो है, हम यदि इस दुनिया में यदि हम ईश्वर के साक्षात दर्शन करना चाहें तो वो साक्षात माँ ही है। और ईश्वर ने ये कहा भी है कि दुनिया में मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन यदि आप मुझे देखना चाहते हैं, यदि आप मेरे दर्शन करना चाहते हैं, तो वो है माँ। तो केवल माँ साक्षात ईश्वर का रूप होती है, जो कि हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखकर इस दुनिया में हमें लाती है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते हैं, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, यहाँ तक कि उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। तो मैं तो बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, तो मैं कई बार मैंने बताया है कि जब मैं 4 साल का था तभी मेरी माँ गुजर गई है। और जिसकी माँ नहीं होती वो तो वही जान सकता है कि उसकी पीड़ा क्या होती है, उसका दुख क्या होता है और उसको क्या क्या दुनिया में झेलना पड़ता है। तो मैं आपसे सभी से फिर से निवेदन करूँगा कि आप ये वीडियो आपने देखा उसके लिए आपने अपना अनमोल और कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से और मन से। और मैं आपसे हर बार की तरह ये प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले और मैं और भी अलग अलग टॉपिक में वीडियो ला सकूं। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स भी दें, सजेशंस भी दें, और मैं किस किस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं, जिससे कि इस समाज और देश के निर्माण में हम सब लोग मिलकर अपना योगदान दे सकते हैं, और मेरे मिशन और विजन में ये मेरा साथ होगा। और मैं दीपराम महावर फिर से आपसे कहूँगा हर बार की तरह, यदि आप कहीं भी मेरे मोटिवेशन सेशन या वर्कशॉप आयोजित करवाना चाहें तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9530003611। तो थैंक यू सो मच।